बिहार के भागलपुर में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर लगातार प्राचीन अवशेष मिल रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ उत्खनन के दौरान मिले प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गुवारडीह में कामा माता स्थान के पास बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर सजा कर रखे पुरातात्विक महत्व के प्राचीन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इन्हें सहेजने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद इन पुरातात्विक महत्व के प्राचीन अवशेषों को अब पूरा बिहार देख पाएगा। भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन के दौरान लगातार प्राचीन अवशेष मिल रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों बिहार प्रखंड की जयरामपुर पंचायत के गुवाहाटी में 25 फीट ऊंचे टीले से प्राचीनतम अवशेष मिले थे, जिसको देखने मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचे। पिछले दिनों यहां से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बर्तन के टुकड़े, ताम्र धातु के टुकड़े, गोपन गुल्ला, सिल्ला लोड़ी, हैंडल युक्त बर्तन, चौड़े आकार की टेराकोटा की मूर्तियां मिली थी। सीएम के आगमन पर स्टॉल लगाकर इन चीजों को प्रदर्शित किया गया था। बांका जिले के अमरपुर के भदरिया गाँव में भी छठ पर्व के मौके पर घाट बनाए जाने के क्रम में चानन नदी में भवनों के अवशेष मिले थे। बताया जाता है कि चानन नदी की 333.67 डिसमिल जमीन में अवशेष मिले हैं, जिसकी सीमा खुदाई के बाद और अधिक बढ़ने की भी संभावना व्यक्त है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद महत्व के हिसाब से इन अवशेषों को पटना या स्थानीय संग्रहालय में सहेजा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.